सो so स्टूडेंट मैंने पहले वीडियो में भी बता रखा है कि कब आर्टिकल द यूज़ करना है और कब आर्टिकल ए और एन यूज़ करना है सो टेक्स्ट बुक में से भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ दिस इज ऑल्सो एन आर्टिकल द इज ऑल्सो एन आर्टिकल इट इज डेफिनाइट आर्टिकल डेफिनाइट आर्टिकल है ये जो सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए लगाते हैं स्पेसिफिक नाउन्स के आगे लगाते हैं दैट इज़ वाइट इज कॉल्ड एज डेफिनाइट आर्टिकल वी यूज द फॉर पर्टिकुलर थिंग्स मैंने बताया ना वी यूज़ आर्टिकल द फॉर द पर्टिकुलर थिंग्स द थिंग्स अबाउट विच आर टॉकिंग इज नोन टू द लिसनर एज वेल एज टू द स्पीकर जिस भी चीज़ के बारे में बात हो रही है वो चीज़ स्पीकर को भी पता है और लिसनर को ही पत, को भी पता है ऐसी पर्टिकुलर थिंग के आगे ही आर्टिकल कौन सा आता है द आता है वी ऑल्सो यूज द बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स सो दिस आर्टिकल द इज़ ऑल्सो यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन्स कोई भी प्रॉपर नाउन होगा तो उसके आगे भी आर्टिकल द आएगा जैसे द डेली है ना द डेली सिटी या द ताजमहल ऐसे करके आएगा तो हम क्या लगाएंगे आर्टिकल वी लीव इन द डेली वी लीव इन द जोधपुर तो जोधपुर इज़ द नेम ऑफ अ सिटी एंड विच इज़ प्रॉपर नाउन दैट्स वाई वी आर सेंग वी लीव इन दी जोधपुर वी लीव इन अ जोधपुर या वी लीव इन दोधपुर ऐसे करके वी ऑल्सो यूज द बिफोर यूनिक थिंग्स वीच आर वन ऑफ द काइंड अगर पूरे वर्ल्ड में उस जैसी सिर्फ एक ही चीज़ है तो वी यूज आर्टिकल द सो वी यूज द बिफोर द यूनिक थिंग्स वीच आर वन ऑफ अ काइंड इन द वर्ल्ड वी ऑल्सो यूज द बिफोर अ नाउन विच इज टॉक्ड अबाउट अ second time if you are using the same noun again then we have to use article the before that noun so read these examples close the window turn off the tap the sun is shining brightly in the sky. The sun and the sky. These things are unique hai na? in the world. Or specific be hai. That is why the Iga. The earth is round. The earth is also unique. One of a kind hai in the in the world there are so many earths. No, there is only one earth in the world. That is where the earth is round. I have a basket.

अगेन या सेकेंड टाइम यू हव टू यूज आर्टिकल द बिफोर दैट नाउन सो द बास्केट इज फुल ऑफ फ्रूट्स तो सेकेंड टाइम बास्केट यूज किया इसलिए हम आर्टिकल लगाएंगे द ताजमहल इज इन आगरा सो द ताजमहल इज वन ऑफ अ काइंड इट्स वेरी यूनिक है ना इट्स दन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल जैसे कोई और मोन्यूमेंट है क्या वर्ल्ड में नो देर इज ओनली वन ताजमहल इन होल वर्ल्ड दैट इज वाई इट इज वेरी यूनिक दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू यूज आर्टिकल द बिफोर अ ताजमहल द ताजमहल इज इन आगरा ओके नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज रिलेटेड टू दिस सेम टॉपिक Fill in the blanks with a and the. We have to fill up the blanks with the correct articles. I bought a pencil and an eraser. Eraser is starting sound is uh, the sound of a vowel. The pencil was costly, but the eraser was cheap. Here I am using article the because we are mentioning these nouns pencil and eraser second time. Hana in cuff. दोबारा से हम जिक्र कर रहे इसीलिए पेंसिल और इरेजर के आगे सेकेंड टाइम यूज़ करते समय हम आर्टिकल लगाएंगे द द बिकॉज वी आर यूजिंग दिस नाउज सेकेंड टाइम लुक एट स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई सो स्टार्स स्टार्स आर ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक ऑल्दो दे आर क्ल्यूरल स्टार इज़ अ स्पेसिफिक एंड प्लूरल नाउन विच इज अनकाउंटेबल ऑल्सो सो दैट इज़ वाई वी कॉन्ट यूज आर्टिकल ए और एन स्टार्स के आगे आएगा आर्टिकल दो बिकॉज स्टार्स क्या है यूनिक है स्पेसिफिक है प्लूरल है और अनकाउंटेबल है बट कोई भी नाउन अगर सिंगुलर है काउंटेबल है और नॉन स्पेसिफिक है तब आर्टिकल आता है ए और एन सो so, इसीलिए हमने स्टार्स के आगे आर्टिकल लगाया द द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई द स्काई इज ऑल्सो वेरी यूनिक नाउन स्काई इज ऑल्सो यूनिक नाउन दैट्स वाई वी हैव यूज आर्टिकल द द यमुना इज द लॉन्ग रिवर सो यमुना इज द लॉन्ग रिवर द यमुना यमुना इज द प्रॉपर नाउन दैट इज वाई वी हैल द प्रॉपर नाउन के आगे भी आर्टिकल द आता है लॉन्ग रिवर तो स्पेसिफिक है लॉन्ग रिवर मतलब लंबी नदी है कोई सिमिलर नहीं है रिवर बहुत ही ज्यादा स्पेसिफाई किया है कैसी रिवर है लोंग रिवर है तो इज द लॉन्ग रिवर आएगा द कुरान इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम सो कुरान इज ऑल्सो प्रॉपर नाउ दैट इज वाई द इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स सो होली बुक ऑफ मुस्लिम्स इट इज़ ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक नाउन होली बुक ऑफ मुस्लिम दैट इज़ वाई वी हैव यूज आर्टिकल द द गीता इज द होली बुक ऑफ द हिंदूज गीता इज प्रॉपर नाउन आर्टिकल द आया होली बुक होली बुक है कोई जनरल बुक नहीं है स्पेसिफाई किया है उन्होंने क्या बताया है कि होली बुक है इसीलिए द आएगा द होली बुक होली बुक नहीं आएगा द होली बुक आएगा ऑफ द हिंदूज हिंदूज इज ऑल्सो द प्रॉपर नाउन इट इज़ द नेम ऑफ द रिजन दैट इज वाई वी हैव टू यूज यू वी हैव टू यूज आर्टिकल द मंकी एंड द एलिगेट फ्रेंड्स सो देर ऑल्सो वी आर यूजिंग आर्टिकल द

द स्टार्टिंग साउंड इज ऑफ कॉन्सनेंट कॉन्सनेंट की है स्टार्टिंग साउंड इसी लिए हमने आर्टिकल ए लगाया ही प्लेज गेम्स ऑन दी कंप्यूटर नाउ हियर आई एम यूजिंग आर्टिकल द वाई बिकॉज कंप्यूटर आई हैव मैंशनड हियर अगेन सो सेकेंड टाइम वी हैव यूज दिस नाउन कंप्यूटर दैट इज़ वाई वी हैव टू यूज आर्टिकल द जब आप सेकेंड टाइम सेम नाउन को इस्तेमाल करते हैं आई एम एन इंडियन

नाउन इज साउंड ऑफ द वल इंडियन ई की साउंड आ रही है साउंड ऑफ आई दैट इज़ वाई एन इंडियन आई सल्यूट द फ्लैग ऑफ इंडिया फ्लैग ऑफ इंडिया इज़ द यूनिक थिंग यूनिक नाउन है हमारे इंडिया का सिर्फ एक ही एक ही फ्लैग है द नेम ऑफ आवर फ्लैग इज़ नेशनल फ्लैग इज ट्राई ट्राई कलर फ्लैग दैट इज़ वाई उसके आगे आर्टिकल आएगा द आई सल्यूट द फ्लैग ऑफ इंडिया next the sun rises in the east so sun is also unique noun and east also the unique noun that is why we have to use article the in front of both the nouns the rajdhani express is very is a very fast train so the rajdhani here i am going to use article the over here because the is the सॉरी राजधानी एक्सप्रेस इज द प्रॉपर नाउन राजधानी एक्सप्रेस क्या है प्रॉपर नाउन है दैट इज वाई वी हैव चूज आर्टिकल द इज अ वेरी फास्ट ट्रेन सो अ वेरी फास्ट ट्रेन नेक्स्ट टाइम जो आएगा आर्टिकल वो आएगा अ नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम द सेम चैप्टर एक्सरसाइज नंबर फोर Cross out the wrong article in the following sentence. So, so, you have to cross out the wrong articles from the following sentences. And oblique the Indian team won the match. And Indian team aayaga kya? No, the Indian team aayaga. Because there must be uh, only uh, the Indian team, or Indian team is very specific or unique noun. That is why we have used article the. The A oblique the Red Fort was built by Shahjahan. So, Red Fort is the proper noun and it is the one of a thing. वन ऑफ अ काइंड है ना रेड फोर्ट इज़ अ वन ऑफ अ काइंड मोन्यूमेंट इन इंडिया रेड फोर्ट की जैसी कोई और चीज़ है क्या रेड फोर्ट से मिलती जुलती इंडिया में नहीं सो रेड फोर्ट बोला है तो एक यूनिक चीज़ के बारे में बात करें जिसके जैसी कोई चीज़ और है नहीं सो रेड रेड फोर्ट इज़ दन ऑफ अ काइंड थिंग दैट इज़ वाई वी हैव टू यूज आर्टिकल द बिफोर इट द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय शाहजहान एंड ऑब्लिक अ एंड ऑब्लिक हैंड लेज एग्स सो हैं देर आर सो मैनी हैंड्स विच ले एग्स है ना ऑल ऑफ ऑल दी हैंड्स ले एग्स सो इट इज नॉट स्पेसिफिक कि ये एक पर्टिकुलर हैंड के बारे में बात हो रही है हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सी हैंड के बारे में बात हो रही so, है सो इट इज़ नॉन स्पेसिफिक एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं सिंगुलर है येस है क्या नहीं सिंगुलर नाउन है काउंटेबल हैउंटेबल हैन को काउंट कर सकते हैं ना नंबर्स में यस yes. तो इसीलिए सिंगुलर काउंटेबल नॉन स्पेसिफिक है दैट इज वाई वी हैव टू यूज आर्टिकल ए और एन बट ए और एन में से भी ए क्यों यूज किया बिकॉज द स्टार्टिंग साउंड इज द साउंड ऑफ द कॉन्सनेंट सिमिलर वे यू कैन डू द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव फोर फाइव एंड सिक्स ऑन योर ओन and if you have any doubt or any queries related to the use of articles a and the, you can ask me till then thank you have a good day